Good morning, students. Today we will be discussing the worksheet for this chapter. As we have already covered this chapter yesterday, so now it's time to complete the worksheet. So are you all ready? Please take out your page number 62 and have your pencil, eraser and sharpener ready. So let's start it. So what is the first question here? Which is the world's biggest commercial company? As देखो Airbus is the world biggest commercial company, तो हम यहाँ पर लिख देंगे Airbus. Next question क्या है? How many types of transport are there in all? कितने types के transport? 3 types. ओके तो और नेक्स्ट है हमारा विच ट्रांसपोर्ट इज़ यूज्ड टू गो फार अवे फ्रॉम फार अवे प्लेसेस. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रेन है ना, दूर जाने के लिए तो हम यूजली ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं. नाउ टर्न टू फील्ड्स. क्या है? देयर आर डैश टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. देयर आर 3 types ऑफ ट्रांसपोर्ट. Write your 3. Ships and boats are means of water transport. Aeroplane is the fastest means of transport. True and false. Tick mark. Trains are used to go far away places. Is it true? Yeah, it's completely true. तो यहाँ पे आप correct tick करेंगे. People do not travel by aeroplane this day. No, they travel. So it's wrong. It's false. We can put cross here. What are the 3 means of transport? क्या है 3 means of transport? First है हमारा land transport. Second है हमारा water transport. And last one is air transport as well. Next question. Which vehicle do you generally use to go to school? ऐसे हम जनरली क्या यूज़ करते हैं स्कूल जाने के लिए? तुम क्या यूज करना चाहो करोगे? साइकिल यूज़ करते हो ना? तो हम लिखेंगे आई जनरली use a bicycle to go to school. फिर क्या है? Name the means of water transport. Ship, boat. आप यहाँ पे और भी वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए मेंशन कर सकते हो. इट्स ऑल टोटली डिपेंड्स ऑन यू. सो मैच द फॉलोइंग में क्या है? रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट. एज देखे जब यहाँ पे रोड ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे रेल ट्रांसपोर्ट है, तो हमको इससे मैच कर देना है. एयर ट्रांसपोर्ट को हम यहाँ रॉकेट के सामने से मैच करेंगे. वाटर ट्रांसपोर्ट को हम वाटर ट्रांसपोर्ट से मैच करेंगे. ओके तो ये हमारा जो वर्कशीट है ये कम्प्लीट हो गया है. आपको इन्हें अपनी अच्छे से प्रॉपरली अपनी बुक्स में ऐसे ही करने हैं, कंप्लीट करके रखने हैं. और ये जो नीचे एक्टिविटी दी हुई है, व्हाट यू हैव टू डू हियर, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ. जस्ट रीड इट. राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर. व्हाट नेम डिड यू फॉर्म. आपको क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं ना, आपको इसके फर्स्ट लेटर को यहाँ पे मेंशन करना है. तो एज यू सी दिस इज़ एन एप्पल, तो यू हैव टू पुट हियर ए. एंड द अनदर वन इज एक्स, यू हैव टू पुट हियर ई. रोज, you have to put here R. ये may be it's orange, so you have to put here O. P, lady finger L, and का A, next का N, यो का E. ठीक है, आप इसे भी complete कर देना. तो ये हमारा chapter complete हो गया. अब आपको इसको अच्छे से reading करनी है और आपको इसको अच्छे से अपनी notebook में सारे works को complete करने हैं. ठीक है, okay, take care, bye bye.